में हम लोगों ने यहाँ पे जनसंवाद किया है और आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितना उत्साह था आम जन में, युवाओं में, किसानों में। उन लोगों ने अपनी सारी समस्याओं को या जो हम लोग बिहार सरकार जो कार्य कर रहे हैं जनहित के या जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं उसमें और क्या बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में काफ़ी सुझाव प्राप्त। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज एंड पॉपुलर भोजपुरी। जिले में आगमन के बाद DM नवीन कुमार अपने पहले जनसंवाद कार्यक्रम में विक्रमगंज पहुँचे हैं। यहाँ दोस्तों आप सबको बता देना चाहते हैं, नवीन कुमार जो कि रोहतास जिले के नए DM पद पर प्रभार लिए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मरौना पंचायत में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लगातार 6 घंटों तक अधिकारियों की टीम के साथ लोगों से संवाद करते रहे। दिन भर चले इस कार्यक्रम में लोगों को सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा लगाए गए संवाद काउंटर पर भी लोगों ने आवेदन जमा कराए। कार्यक्रम के दौरान जिले में चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में जिले के संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा लोगों को बताया गया। कार्यक्रम का संचालन अनुमंडल अधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने किया। मौके पर जिले एवं प्रखंड के सभी अधिकारी मौजूद रहे। DDC ने ग्रामीण विकास योजनाओं, आवास योजना, मनरेगा इत्यादि की जानकारी दी। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य योजनाओं, टीका अभियान की जानकारी दी। जिला कल्याण पदाधिकारी ने OBC के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। DO जीविका के DPM आदि ने अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। सभी पंचायतों में बनेंगे जीविका भवन। मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। तालाब की सफाई के बारे में एक मुखिया के सवाल के जवाब में DM ने माइनर एरिगेशन को निर्देशित करते हुए कहा कि जल स्रोत का सर्वे किया जाए ताकि उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके। मुखिया संघ के अध्यक्ष विनय प्रकाश ने जिलाधिकारी से सफाई कर्मियों के 6 माह के वेतन भुगतान पर सवाल उठाया तो जिलाधिकारी ने बताया कि 1 सप्ताह में समस्या का निदान कर दिया जाएगा। DM ने सभी पंचायत में जीविका दीदी के लिए जीविका भवन बनाने के लिए, जमीन मुहैया कराने के लिए अंचलाधिकारी को निर्देशित किया है। यहाँ दोस्तों और काफ़ी दूर दूर तक और अपने जिले में भ्रमण करने के काम कर रहे हैं नवीन कुमार जी। जब से रोहतास जिले में आए हैं तब से ये सोच रहे हैं कि रोहतास जिले में अच्छे सुशासन और अच्छे से प्रशासन वर्क करे। यहाँ दोस्तों आइए देखिए क्या कह रहे हैं रोहतास जिले के नए DM नवीन कुमार जी। हम लोगों ने यहाँ पे जनसंवाद किया है और आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितना उत्साह था आम जन में, युवाओं में, किसानों में। उन लोगों ने अपनी सारी समस्याओं को या जो हम लोग बिहार सरकार जो कार्य कर रहे हैं जनहित के या जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं उसमें और क्या बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में काफ़ी सुझाव प्राप्त हुए। और कहीं कहीं पर जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसका भी इन लोगों ने खुल के अपनी बातों को रखा है और सीधा संवाद हम लोगों ने जनता से और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे आँख कान नाक है, मैं ये कहता हूँ कि पंचायत लेवल तक रोज़ मैं नहीं पहुँच सकता, ये हमारे DDC हमारे DM साहब नहीं पहुँच सकते हैं, तो यही हमारे आँख कान नाक हैं जो हम जिनके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं बिहार सरकार के द्वारा उसका कैसा प्रतिफल है और उसमें क्या सुधार कर सकता है। तो लास्ट में हम लोगों ने इनसे भी 1-to-1 बात किया और काफ़ी चीज़ें हम लोगों के पास आई हैं। कुछ सिंचाई की समस्याएं हैं उसका समाधान हम लोग करेंगे, मैदान का खेल मैदान की बात है, सड़क की बात है और अन्य जो भी समस्याएँ आई हैं उसको हम लोग करेंगे और पूरी गुणवत्ता के साथ सभी जन कल्याणकारी योजनाएँ पूरे जिले में कार्यान्वित हो चले इसमें हम लोग एश्योर करेंगे। हमारे काफ़ी अच्छी टीम हमारे पास है, मुझे आया अभी मात्र 9 दिन हुए हैं और काफ़ी अच्छी टीम हमारे पास है, इसके माध्यम से हम लोग और बेहतर काम करेंगे। थैंक यू। समाप्त